गाइस कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट योर होम। यहाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। और तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके सामने कुछ एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिस्क्रिप्टिव एंड एलिगेंट। जी हाँ, और उस टॉपिक का नाम है, द टॉपिक नेम इज ट्रेवल वोकैबुलरी, आउटिंग वोकैबुलरी। आप लोग आउटिंग जाते होंगे, हम लोग अक्सर वोकेशन में घूमने जाते हैं, हॉलीडे में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सी कुछ चीज़ सीखने को मिलती हैं। तो आज मैं आपको कुछ वोकैबुलरी देने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो ट्रेवल और जर्नी से रिलेटेड है। सो गाइस, बिना देरी करें हम अपने टॉपिक आते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, नंबर वन, एयरबीएनबी मीन्स ऑनलाइन मार्केट प्लेस टू फाइंड स्टे। जी हाँ, वहाँ पे हम अपना मार्केट प्लेस ढूंढते हैं, रेस्टोरेंट, होटल, रिजॉर्ट्स वगैरह जो कि हमें स्टे करने के लिए होता है। और वहाँ पे हम अपनी सेल्फ कैटरिंग की भी हमें फैसिलिटीज मिलती है, जो कि अपने अकॉर्डिंग अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हम तैयार कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एयरबीएनबी। नेक्स्ट, अपेरेंटली मीन्स स्पष्ट रूप से डिसाइड होना। जी हाँ, हमारे अपने बिजनेस क्लियर होते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कितने दिन रुकना है, कहाँ कहाँ रुकना है, उसका बोलते हैं अपेरेंटली। नेक्स्ट, ब्रेथ टेकिंग व्यूज मीन्स वो खूबसूरती जो चौंका देने वाली और बिल्कुल दिमाग में बस देने वाले खूबसूरती, उसको हम बोलते हैं ब्रेथ टेकिंग व्यूज। जो कि हम घूमने जाते हैं तो हमें बहुत जगह देखने को मिल जाती है और हम लोग बोलते हैं वो व्हाट अ ब्रेथ टेकिंग व्यूज। ओके, नेक्स्ट, फॉर ऑफ डेस्टिनेशन मीन्स दूर दूर की जगह जब हम घूमने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कोई ना यहाँ पे भी जितने के आसपास की जगह हमको भी कवर कर लें, क्योंकि बार बार घूमना नहीं होना हो पाता। एक बार घर से निकलते हैं या आप लोग घर से निकलते हो तो छुट्टी लेके, तो लगता है कि जितने भी जगह हैं उन सबको कवर करके आना चाहें, उनको बोलते हैं फॉर ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, गाइडेड टूर उन्हें बोलते हैं जब हम किसी गाइड की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें एक्सप्लेन करता है उस जगह के बारे में, वहाँ की जो जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करता है, हम उसको बोलते हैं गाइडेड टूर। ओके, नेक्स्ट, हॉलीडे डेस्टिनेशन मीन्स जस्ट लाइक मनाली, शिमला, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया या दैट्स टीम्स आर हॉलीडेज डेस्टिनेशन। जी हाँ, दैट इज़ कार और जो कि नेक्स्ट हॉलीडे रिजॉर्ट बड़ा या होटल जहाँ पे हमें गार्डन भी मिलता है और बड़ा सा अपार्टमेंट भी मिलता है जो कि काफ़ी स्पेसियस होता है और हम लोग उसमें आराम से रुक सकते हैं, एक बड़ी फैमिली भी जा सकती है, उसमें बोलते हैं होटल रिजॉर्ट्स। नेक्स्ट, हॉलीडे ऑफ अ लाइफ टाइम मीन्स हमेशा वो हॉलीडे की जो कि हमेशा अपनी लाइफ टाइम में हमेशा यादगार रहे। जी हाँ, ऐसा हॉलीडे जो कि यादगार बन जाए लाइफ टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं हॉलीडे ऑफ अ लाइफ टाइम। नेक्स्ट, लोकल क्राफ्ट थिंग्स वो चीज़ें जहाँ पे हमें स्पेशली वहीं पे अवेलेबल होती हैं और कहीं अवेलेबल नहीं होती हैं, तो कि हम उन्हें परचेस करते हैं, परचेस करके अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने पास, अपने घर के लिए लाते हैं, उनको हम बोलते हैं लोकल क्राफ्ट थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, लॉन्ग वीकेंड मीन्स यू नो अबाउट वीकेंड, या सैटरडे संडे इट इज कार वीकेंड, एंड लॉन्ग वीकेंड मीन्स फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, जिसमें फ्राइडे और मंडे भी ऐड होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग वीकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट मेमोरेबल थिंग्स में से बहुत ही यादगार चीज़ें, यादगार हमें जो कि हमारे दिलों पर बसे और बस जाते हैं, विच वर वेरी ब्यूटीफुल एंड मोस्ट मेमोरेबल थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, ऑन माई ऑन मीन्स अकेले ही जाना किसी ट्रिप में, किसी विजिट में अकेले ट्रेवल करना, उसको बोलते हैं ऑन माई ऑन। यस, यू कैन से दैट I went on my trip. Next, out of season is a very common word. I know that all of you know about out of season. See, out of season means जब season ना हो
तब आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो भी बहुत इंजॉय करने के लिए आपको मिल जाता है, जो बसलिंग नहीं होता है, आप आराम से चीज़ों को आराम से टाइम दे दे के आप देख लेते हैं, आपको ज़्यादा इंजॉय करने को मिल जाता है। तो आउट ऑफ सीजन में भी लोग घूमने जाते हैं, जस्ट लाइक रेनी सीजन एंड एग्जाम टाइम, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट सेल्फ कैटरिंग। सेल्फ कैटरिंग मीन्स अपने आप ही, जहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया है होटल रिजॉर्ट्स वगैरह में सेल्फ कैटरिंग की भी फैसिलिटीज मिलती हैं, उसमें अपने खुद ही अपने हिसाब से अपना लंच, अपना डिनर, अपना ब्रेकफास्ट, अपनी मनपसंद का अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ कैटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट टू गो साइटिंग। टू गो साइटिंग मीन्स टूरिस्ट की खास खास प्लेसेस, जो वहाँ पे हम अपने कैब ड्राइवर से बोल सकते हैं प्लीज टू गो साइट सीइंग, प्लीज टू गो साइट सीइंग। नेक्स्ट ट्रिप मीन्स स्मॉल ट्रिप, जी हाँ, जो कि सिर्फ दो दिन के लिए होती है, जिसमें हम स्पेशली गो फॉर बिजनेस माइंड एंड जस्ट लाइक टू डेज, जो कि बहुत छोटी दो दिन की ट्रिप होती है, जो कि बस दो दिन में हम गए और बस चले आए, उसको हम बोलते हैं स्मॉल ट्रिप। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल ट्रिप। नेक्स्ट जर्नी, जर्नी मीन्स यात्रा, इट्स अ वेरी कॉमन नेम, कॉमन वर्ड जर्नी, आई डोंट थिंक देयर्स नीड टू टेल यू अबाउट जर्नी। ठीक है, नेक्स्ट टूर। टूर मीन्स चारों तरफ को कवर कर लेना, जितना जब हम घूमने जाते हैं, यू नो दैट अबाउट वर्ल्ड टूर, या वर्ल्ड टूर जस्ट लाइक अ वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर में क्या होता है, जब हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो जितने भी उनके फेवरेबल चीज़ें होती है, जो आसपास की जितने भी कंट्रीज होती हैं उनको कवर करने के आते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड टूर। उसी तरह ही रूट उसी से रिलेटेड और मिलता जुलता वर्ड है, जिसमें कि हम कवर करते हैं मैनी डिफरेंसेस प्लेसेस को कवर करते हैं, उसको हम बोलते हैं टूर। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सफारी। वाइल्ड लाइफ सफारी मीन्स जहाँ जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, आपने स्पेशली आपने देखा होगा हॉलीडेज मूवीज में, जो फैमिली जाती हैं जंगल में घूमने के लिए जाती हैं, नेचर जो नेचर में के टच में रहना चाहती हैं, स्पेशली लॉन है, इन सब की पिक्स लेती हैं, वीडियोस बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी। जी हाँ, जो कि जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी। सो गाइस, कैसे लगे आज के मेरे न्यू इंटरेस्टिंग वर्ड्स मीनिंग वोकैबुलरी, मेक श्योर आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट माई चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। आफ्टर प्रेस बेल आइकन यू विल गेट माई अपकमिंग वीडियो। ओके, सो जैसे आप बेल प्रेस करेंगे तो जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको तुरंत मिल जाएगा। सो गाइस, जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। नेक्स्ट में जल्द से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय, come soon.